हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपको पता ही है कि आप मेरे वीडियोस देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं सीए और सीएस रिलेटेड टॉपिक्स और इश्यूज हमेशा लाते रहता हूँ, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और वो चार्ट्स के फॉर्म में मैं लाता हूँ ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी रहे याद करने में, मेमोराइज करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू क्लेम बोनस इन एन अकाउंटिंग ईयर। जो बोनस एक्ट का हमारा सेक्शन 9 है वो कहता है कि का डिसक्वालीफाई हो जाते हैं एम्प्लॉय बोनस क्लेम करने से किसी अकाउंटिंग ईयर में। कब होते हैं डिसक्वालीफाई, यही कहता है सेक्शन 9। देखिए सेक्शन 9 को एक बार पढ़ा जाए। सेक्शन 9 कहता है, एज पर सेक्शन 9 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, एन एम्प्लॉय शैल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग बोनस अंडर दिस एक्ट इफ ही इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस फॉर, उसको डिसमिस कर दिया गया सर्विस से। एक एम्प्लॉय डिसक्वालीफाई हो जाता है बोनस रिसीव करने से अगर इसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया सर्विस से। लेकिन क्यों डिसक्वालीफाई किया गया? नंबर 1, फ्रॉड के लिए डिसक्वालीफाई किया। नंबर 2, राइटर्स और वायलेंट बिहेवियर के लिए, राइटर्स और वायलेंट बिहेवियर के लिए उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। राइटर्स और वायलेंट बिहेवियर वाइल ऑन द प्रमाइसिस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट में के प्रमाइसिस के अंदर वो राइटर्स या वायलेंट बिहेवियर किया, उसके वजह से उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। या फिर चोरी कर लिया एम्प्लॉय, मिस अप्रोप्रिएट कर दिया या सैबोटेज कर दिया किसी प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट का कोई प्रॉपर्टी था जिसको वो चोरी कर लिया या उसको मिस अप्रोप्रिएट कर दिया या सैबोटेज कर दिया, तो ये सब करने के वजह से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फ्रॉम गेटिंग बोनस फॉर दैट अकाउंटिंग ईयर। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो पिक्चर बना हुआ है उसमें मैंने एक चार्ट बनाकर आपको सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश किया है कि सेक्शन 9 आखिर कहता क्या है। और ये चार्ट इसलिए क्योंकि आपको सिंपली मेमोराइज हो जाए पूरा का पूरा सेक्शन। एम्प्लॉय डिसमिस्ड फॉर फ्रॉड, राइटर्स और वायलेंट बिहेवियर वाइल इन द प्रमाइसिस या फॉर थेफ्ट, मिस अप्रोप्रिएशन एंड सबोटेज ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर बोनस फॉर दैट अकाउंटिंग ईयर। लीगल प्रोसेस इसका क्या है? द अबव प्रोविजन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग लीगल प्रोसेस। ये जो प्रोविजन हम लोग पढ़े अभी सेक्शन 9 का, इसमें कुछ लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है। तो लीगल प्रोसेस क्या है देखते हैं। व्हेन एन एम्प्लॉय इज चार्ज्ड फ्रॉम एनी ऑफ द अबव एक्ट्स एन इंक्वायरी इज एसेंशियल। जब कभी भी कोई एम्प्लॉय चार्ज किया गया, मतलब उस पर इल्ज़ाम लगाया गया इन तीनों में से ऊपर का सेक्शन 9 में जो तीन चीज़ लिखा गया है उसका, फ्रॉड, राइटर्स या वायलेंट बिहेवियर या फिर थेफ्ट, मिस अप्रोप्रिएशन या सबोटेज ऑफ द प्रॉपर्टी का इल्ज़ाम लगाया गया किसी एम्प्लॉय पे, तो इंक्वायरी एसेंशियल हो जाता है भाई। इंक्वायरी होना चाहिए, इंक्वायरी ऑफकोर्स इंक्वायरी तो होना ही चाहिए। उसके बाद द एलिजिबली गिल्टी एम्प्लॉय इज सस्पेंडेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ द इंक्वायरी टिल सबमिशन ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट। इंक्वायरी का जो पीरियड होगा उस दौरान उसको सस्पेंड कर दिया जाता है एम्प्लॉय को, और कब तक के लिए? टिल सबमिशन ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट। इन केस ही इज फाउंड गिल्टी ही मे बी डिसमिस्ड और री इंस्टेटेड देयर आफ्टर। वार्निंग बट विदाउट वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। ऑन द अदर हैंड इफ ही इज फाउंड इनोसेंट ही विल हैव टू बी री इंस्टेटेड विद बैक वेजेस एज पर द वेरियस लेबर लॉज इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जो एलिजिबली गिल्टी एम्प्लॉय है उसको सस्पेंड करो टिल सबमिशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट। जब इंक्वायरी चल रहा हो उस दौरान उसको सस्पेंड करके रखो, और कब तक सस्पेंस करके रखो? तो टिल सबमिशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट होने तक उसको, एलिजिबली गिल्टी एम्प्लॉय को सस्पेंड करके रखो। और अगर इंक्वायरी चलने के बाद पता चलता है कि ही इज़ गिल्टी, तो फिर या तो उसको डिसमिस कर दो
गिल्टी हो गया एम्प्लॉय कि सच में वो ये सब काम किया है जो सेक्शन 9 में लिखा गया है, तो उस एम्प्लॉय को डिसमिस कर दो ना, मत रखो अपने यहाँ पे, अपने अपने यहाँ पे उसको काम करने मत दो। या तो फिर डिसमिस करो या तो फिर री इंस्टेट करो आफ्टर वार्निंग विदाउट बैक वेजेस, विदाउट कोई वेजेस दिए बिना उसको। तो वार्निंग देकर उसको आप रख भी सकते हैं या फिर उसको डिसमिस भी कर सकते हैं। अगर वार्निंग देकर वापस से रखते हैं, कोई बैक वेजेस दिए बिना उसको वेजेस नहीं दे रहे हैं उस पीरियड का जिस पीरियड के लिए उसको डिसमिस करके रखा गया जब इंक्वायरी चल रही थी या उस पर इल्ज़ाम लगा था, तो नॉट एंटाइटल फॉर बोनस। तो वैसा एम्प्लॉय जो है वो एंटाइटल नहीं होगा बोनस के लिए। लेकिन अगर उस पे इल्ज़ाम लगने के बाद इंक्वायरी चला और ये पता चला इंक्वायरी के रिपोर्ट से कि वो इनोसेंट है, बेचारा इनोसेंट सा वर्कर को हमने इल्ज़ाम लगा दिया था उस पे सेक्शन 9 के तहत, तो पता चला कि वो इनोसेंट है, तो उसे बाद में आप रीइंस्टेट कर लें सर्विस में विथ बैक वेजेस। आपको रीइंस्टेट तो करेंगे ही आप, लेकिन आपको बैक वेजेस भी देना पड़ेगा उस पीरियड का वेजेस जिस पीरियड के दौरान आप उसको सस्पेंड करके रखे थे क्योंकि इंक्वायरी चल रही थी। तो उस पीरियड का बैक वेजेस आप उसको बैक कीजिए, मतलब वेजेस दीजिए, और वो एंटाइटल फॉर बोनस भी है। मैंने आपको पुराने वीडियोस में कुछ, आप पिछला बोनस एक्ट का कुछ वीडियोस देखिए, उसमें मैंने आपको बताया भी है कि कौन कौन से लोग एंटाइटल्ड होते हैं बोनस के लिए। वीडियो का नाम था शायद द पर्सन एंटाइटल्ड फॉर बोनस, हु आर एंटाइटल्ड फॉर बोनस। उसमें मैंने आपको बताया था कि अ पर्सन रीइंस्टेटेड इन सर्विस विद बैक वेजेस भी एंटाइटल्ड होते हैं बोनस के लिए। तो उस पॉइंट को यहीं से लिया गया है, उस पॉइंट के पीछे का सारा जो स्टोरी है, मैंने वो सारा का सारा स्टोरी आज आपको समझाया और आई एम श्योर कि आपको समझ में भी आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि सेक्शन 9 में 3 चीज़ लिखा गया है कि अगर ये सब चीज़ों के लिए किसी एम्प्लॉय को गिल्टी कोई एम्प्लॉय ये सब काम किया तो ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर बोनस। और 3 काम आप देख रहे हैं पिक्चर में दिख रहा होगा क्या क्या 3 काम जो वो किया है। लेकिन इसके लिए एक लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व है कि अगर ऐसा कोई उस पर एलिगेशन लगता है ऊपर सेक्शन 9 में जो 3 चीज़ लिखा गया है उसका कोई एलिगेशन लगता है एम्प्लॉय पे, तो उसके लिए इंक्वायरी एसेंशियल है। इंक्वायरी के दौरान उसको डिसमिस करके रखा जाएगा। कब तक डिसमिस करके रखा जाएगा? जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट ना मिला हो। इंक्वायरी रिपोर्ट मिल गया उसके बाद अगर वो गिल्टी माना जाता है तो आपके पास, एम्प्लॉयर के पास 2 ऑप्शन है कि आप उसको डिसमिस कर दें या फिर रीइंस्टेट कर दें सर्विस में, मतलब फिर से वापस से ले लें उसको सर्विस में एक वार्निंग देने के बाद, लेकिन उसको बैक वेजेस नहीं मिलेगा और देन ही इज़ नॉट एंटाइटल फॉर बोनस, उसको वो एंटाइटल नहीं है बोनस के लिए। लेकिन अगर वो इनोसेंट साबित हो गया वो इंक्वायरी चलने के बाद, तो इनोसेंट अगर साबित हुआ है तो आप उसको जो एम्प्लॉयर है वो रीइंस्टेट करेगा सर्विस में विद बैक वेजेस और एंटाइटल फॉर बोनस। वो जो एम्प्लॉय है इनोसेंट एम्प्लॉय बेचारा, वो एंटाइटल होगा बोनस के लिए। धन्यवाद।